सेमल का यूज शरीर में बल, बुद्धि, कामोद्दीपक, काम उत्तेजना, शरीर की गर्मी को ठंडा करने के लिए, खून को साफ करने के लिए, खून रोकने के लिए, लिकोरिया धातु जैसे रोगों में इसका यूज किया जाता है। तो आज हम इस सेमल के दिव्य फायदे और इसके परिचय, गुणधर्म, इसके बेनिफिट्स के बारे में आज बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले जानते हैं सेमल के परिचय के बारे में। तो सेमल को भी कई भाषाओं में जाना जाता है, जैसे कि इसको संस्कृत में शमली, रक्त पुष्पा, तलु वृक्ष, मोचनी, हिंदी में सेमल, मोचरस, कटी सेमल, रक्त सेमल, गुजराती में सेमलो, रक्त सेमलो, और इंग्लिश में इसको रेड सिल्क कॉटन ट्री और इसका वर्टिकल नाम वॉम्बक्स मलवरिकम है। तो ये वृक्ष जो है उत्तर भारत के उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय इलाकों में ज़्यादा देखे जा सकते हैं। जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये उत्तराखंड उधम सिंह नगर की है। तो हमारे यहाँ शिमल के वृक्ष काफ़ी तादाद में आपको देखे जा सकते हैं। तो सेमल की पहचान करने के लिए आप देख सकते हैं कि सेमल एक विशाल वृक्ष होता है। इसकी लंबाई करीब 60 से 80 फीट तक की हो सकती है और इसकी चौड़ाई भी करीब 20 मीटर के आसपास हो सकती है। और इस वृक्ष के ऊपर मोटे और तिकोने मजबूत कांटे होते हैं, जो वृक्ष के ऊपर से लेके नीचे तक लगे रहते हैं। इसकी डालियों के सिरों पर जो पत्ते लगे होते हैं वो गुच्छों में होते हैं और एक गुच्छे में करीब 5 से 7 पत्ते लगे होते हैं। इन पत्तों की लंबाई 4 से 7 सेंटीमीटर लंबी और 1 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। वसंत ऋतु में इसमें फूल लग जाते हैं और उन फूलों की सब्जी भी बनाकर खाई जाती है, जो काफ़ी पौष्टिक और गुणकारी होती है। कैसा भी रक्त पिधर हो, श्वेत पिधर हो, आप इसकी फूलों की सब्जी बनाकर खा लें तो आपके पुराने से पुराना जो लिकोरिया है या रक्त पिधर है वो समाप्त हो जाता है। तो इनके फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है और यह लाल रंग में होती हैं। जब ये फूल पक जाते हैं तो इसमें आंकड़े या अकौवा के समान इसमें फल लगते हैं, जो लंबे आकार के होते हैं। जब ये पक जाएंगे तब इसके फल सूखकर फट जाएंगे और इसके में से जो कॉटन है वो निकल जाएगी। इसके बीज भी छोटे छोटे भिंडी के आकार के दिखाई पड़ते हैं। तो इसके बीज भी काम में लाए जाते हैं, जो काले रंग के होते हैं। रुई है या कॉटन है, इसकी तखिया या पिल्लो या कंबल या इसकी बत्ती भी बनाई जाती है। तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो इसके इस सेमल पर आप कहीं भी कट मारते हैं तो इसमें से एक गाढ़ा गाढ़ा सा पदार्थ निकलता है, जिसको इसका गोंद कहते हैं। उस गोंद को मोच रस के नाम से जाना जाता है और ये मोच रस आपको बाजार में किसी पंसारी के पास या फिर आयुर्वेदिक मेडिकल पर आसानी से मिल जाता है। तो इस प्रकार आप इस सेमल की पहचान कर सकते हैं। आयुर्वेदिक मतानुसार सेमल मधुर, वीर्यवर्धक, बलकारक, कशैला, तासीर में ठंडा, हल्का स्कंद, स्वादिष्ट रसायनक होता है। ये वात और पित्त का ये नाश करता है, शरीर में कफ का ये वृद्धि करता है। तो इस प्रकार इसकी तासीर ठंडी होती है। ये शरीर में पित्त और खून दोनों को ये साफ करता है और साथ साथ ये शरीर से निकलने वाले खून को भी ये रोक देता है। तो इस प्रकार इस सेमल का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। तो पुराने से पुराने लिकोरिया या रक्त पिधर में आप इन सेमल के फूलों को आप ले लें और घी और सेंधा नमक मिलाकर इसकी सब्जी बनाए और तो कुछ समय सेवन करने से आपके लिकोरिया समूल नष्ट हो जाती है। सेमल के फूल, खसखस और शक्कर तीनों चीज़ों को आप बकरे के दूध में खौलाएँ और इसको दिन में 3 से 4 बार पिलाएं तो आपके खूनी बवासीर रुक जाती है। और शरीर पर कहीं भी गांठें हो तो आप इनके पत्तों को पीस कर वहाँ बांध दें तो वहाँ की गांठों की सूजन या मसल्स की सूजन भी उतर जाती है। शरीर में बल, बुद्धि, ताकत, मोटापा के लिए आप इसकी जो नए पौधे हैं जो 3 साल से छोटे हैं उसकी जड़ को लेना है, जिसको संबली कहते हैं और बाजार में भी पंसारी के पास मिल जाती है। तो उसकी जड़ को ताजी मिले तो आप ऐसे ही साफ करके उसको चबा लें। खाने में मीठी लगती है, कोई कड़वी ज़्यादा नहीं होती है। आप उसको एक जड़ रोज़ खाते हैं तो आपके शरीर में ताकत, बल, वीर्य,
वीर्या का गाढ़ापन या पतलापन, पुरुष इंद्रिय की जो शिथिलता, नामर्दगी या पुरुष की जो कमजोरी है, वो सारी बीमारियां उससे दूर हो जाती हैं। अगर धात भी गिरती है तो आप उसकी सेमल को मिश्री के साथ पीसकर और आप सेवन करवा दें तो उनकी धात 2 से 3 दिन में ही रुक जाती है और लिकोरिया, रक्तपिदर ऐसी बीमारियों भी इससे दूर हो जाती हैं। वीर्य विकारों में इस वनस्पति का यूज बहुत चमत्कारी फ़ायदा दिखलाता है। अगर आपको ये ताजी ना मिले तो आप इसकी जड़ को सुखा के रख लें और सुखाने के बाद आप इसका पाउडर कर लें और इसके 1 ग्राम की मात्रा में मिश्री मिलाकर आप सेवन करें तो भी आपकी धातु रोग, क्षपन दोष, कमजोरी या नामर्दगी जैसे रोग दूर हो जाते हैं। शरीर से कहीं भी अगर खून निकलता है, शरीर में गर्मी बढ़ी है तो ये गर्मी को शांत करने का काम करती है। शरीर में जलन है, पसीना बहुत आता है, हाथ पैरों में जलन होती है, तब भी आप इसके जो फूल हैं इसको रात को पानी में भिगो के रख दें और सुबह इसमें आप छान कर मिश्री मिलाकर आप सेवन करवाएं तो आपके शरीर की जो पित्त की मात्रा बढ़ी है ब्लड में, वो कम कर देता है। आपके शरीर से खून निकलना बंद होता है, खून साफ होता है, बवासीर का खून जो निकलता है वो भी बंद हो जाता है, हाथ पैर में जलन है, पसीना ज़्यादा आता है या नींद कम आती है, ये सारी बीमारियाँ इससे दूर हो जाती हैं। जिन छोटे बच्चों को सर्दी, जुकाम, निमोनिया की शिकायत रहती है, उन बच्चों को इस कॉटन की जो तकिया है या पिलो है उसको बनाकर आप उसको सेक करें या उसको लुटलवाएं तो आप देखेंगे कि उसकी कफ या सर्दी, जुकाम या निमोनिया में बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलेगा। अतिसार या डिसेंट्री होने पर जिसमें ब्लड भी आ जाता है तो उसको रोकने के लिए आप इसके गोंद, जिसको मोच रस कहते हैं, उसको करीब 2 से 3 रत्ती की मात्रा में आप सेवन करवाएं तो उनके खूनी दस्त भी रुक जाते हैं। तो सेमल एक ठंडी तासीर की वनस्पति है। इसका उपयोग शरीर को जो गर्मी है उसको शांत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये शरीर में बल और ताकत को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो लोगों को कफ की समस्या है, साइनस है, जुकाम लगा रहता है या निमोनिया जैसी शिकायत है, वो लोग इसका सेवन ना करें और इसका उपयोग आप जितनी मात्रा में बताया गया है उतनी मात्रा में आप कर सकते हैं। विशेषकर आप इसका ज़्यादा मात्रा में भी उपयोग कर लेते हैं तो भी आपको कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये निरापद औषधि है और ये हर जगह आपको उपलब्ध हो जाती है, उत्तर और पूर्व भारत में। इधर तो आप इस प्रकार इस सेमल की छाल और सेमल का उपयोग इन बीमारियों में कर सकते हैं। आप इस सेमल का उपयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।